हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बच्चे की मालिश कैसे करते हैं, इसके फ़ायदे क्या है, एक्सरसाइज कैसे करते हैं, कैसे सावधानी बरती जाती है, ये सब जानकारी आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप बच्चों को मालिश कर रहे हैं तो उससे पहले आप ये देख लीजिए जो भी तेल आप यूज कर रहे हैं, आयुर्वेदिक या फिर नारियल का तेल या फिर सरसों का तेल, ये जो आप तेल यूज करते हैं ये बेबी को सूट हो रहे कि नहीं, इसका आप एक पैच टेस्ट जरूर कर लीजिए। जैसे ही आप तेल यूज करते हैं तो सबसे पहले आप एक हाथ पे एक जगह पे आप वो तेल को टेस्ट कर लीजिए। दूसरे दिन देखिए कि ये तेल बच्चों को सूट हो रहा है या नहीं, उसके बाद ही आप तेल को यूज करिए। मालिश करने से पहले हमें सबसे पहली सावधानी ये बरतनी है कि हाथ को अच्छी तरह सैनिटाइज करना है, हाथ को धो लेना है या फिर सैनिटाइजर यूज करना है। सबसे पहले हम बेबी को मालिश चालू करेंगे सिर से। आप जो भी तेल लेते हैं वो तेल को थोड़ा सा गुनगुना कर लीजिए। अगर ठंडी के दिन है तो गुनगुना करिए, या फिर गर्मी के दिन है तो गुनगुना मत करिए, आप डायरेक्ट वैसे ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आप कंटेनर बच्चों के मालिश के लिए यूज करते हैं उसे डेली में धो के ही यूज करिए। कई बार हम लोग तेल रख देते हैं फिर उसमें कीड़ा वगैरह पड़ने का डर रहता है, तो वो बेबी के लिए अच्छा नहीं रहता है। तो हम सिर से चालू करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा तेल लेंगे और यहाँ पे तालू रहता है, यहाँ पे ये तेल इस तरह से हम लोग लगा देंगे, इस तरह से बाल करेंगे और इस पे ये तेल लगा देंगे ताकि बालों की वजह से तेल वहीं पे रहे। उसी हाथ को इस तरह से लेंगे और बेबी के चेहरे पे लगाएंगे। बहुत धीरे से, एकदम आराम से बेबी को लगाना है क्योंकि उनकी त्वचा बहुत डेलिकेट रहती है। इस तरह से आप बेबी के चेहरे पे इस तरह से तेल लगाइए। एक अंगूठे से बेबी का नाक को भी आपको इस तरह से मसाज करना है। बहुत बार बेबी हमें नाक को हाथ लगाने नहीं देते, फिर भी थोड़ा सा उनको प्यार से इस तरह से आप नाक को मालिश कर दीजिए। वही हाथ रहता है उससे थोड़ा सा गाल को इस तरह से आप मसाज करिए, वही हाथ से कान को इस तरह से रब करिए और पूरे कान को इस तरह से आप तेल लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा तेल चेहरे को नहीं लगाना है और बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं लेना है चेहरे को लगाने के लिए, क्योंकि तेल आँख में, नाक में, मुंह में जाने की संभावना रहती है। तो बहुत कम तेल लेना है और वो लगाना है। उसके बाद हम अपर बॉडी है उसको इस तरह से बहुत धीरे से, आराम से इस तरह से तेल लगाएंगे। छाती से लेके हाथ तक ये तेल को आपको लेके जाना है। फिर अभी पेट को लगाना है, जहाँ पे नाभि होती है वहाँ पे थोड़ा सा तेल डाल के इस तरह से घुमाइए ताकि बेबी को अगर कुछ गैस हो रहा है, बहुत बार कॉलिक होता है, उनको दूध डाइजेस्ट नहीं होता है तो वो बहुत ज़्यादा गैसेस छोड़ते हैं, तो इस वजह से बेबी को अगर गैसेस है तो वो निकल जाएंगे। और हाथ को नीचे से लेके ऊपर के साइड में मालिश करना है। जैसे ब्लड फ्लो होता है तो ब्लड फ्लो जिस डायरेक्शन से हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन से अगर आप बेबी को मालिश करेंगे तो उससे बेबी अच्छी तरह से रिलैक्स करेगा, सोएगा, बेबी के जो हॉर्मोन्स रहते हैं वो रिलीज हो जाएंगे। उसी तरह से आप बेबी को जब मसाज करते हैं तो बेबी का वेट भी बढ़ता है, ऑक्सीजन सप्लाई अच्छा होता है, न्यूट्रिशन जो बेबी का फ्लो रहता है वो बढ़ता है। ये सब चीज़ें जब हम मसाज करते हैं तब होता है। बेबी के बॉडी में एक वीनस नर्व्स रहती है और वो पूरे बॉडी को अटैच हुई रहे। मसाज से वो नर्व एक्टिव हो जाती है और उससे हार्ट बीट भी स्टेबल रहता है। जो अंडरवेट बच्चे रहते हैं उनके लिए मालिश बहुत ज़रूरी। हम पैर की तरफ बढ़ेंगे, पैर को भी हाथ को जैसे हम तेल लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन से ही तेल लगाना है। इस तरह से आप बेबी को तेल लगा सकते हैं और जहाँ पे घुटना है वहाँ पे घुटने को इस तरह से आप घुमाइए, क्योंकि ये घुटने पेट में जब ये रहते हैं तब दबे हुए रहते हैं और दबे रहने से उनमें दर्द होता है। पाँव का जो पाम रहता है, तलवा रहता है, वहाँ से लेके इस तरह से आप बेबी की मसाज कर सकते हैं। हर मसाज आप 5 से लेके 10 बार तक कर सकते हैं। इनिशियल स्टेज में आप 5 बार ही करिए, फिर उसके बाद 10 बार धीरे धीरे बढ़ा लीजिए। यह हमारा फ्रंटल बॉडी का मसाज हो गया है। अभी हम बैक मसाज देखेंगे बच्चों को कैसे करना है। बच्चों को जब भी आप मसाज कर रहे हो ऐसे करिए कि बच्चों को बिल्कुल ही तकलीफ नहीं होना चाहिए। अभी हम बेबी के बैक को मसाज करेंगे। बैक को भी एज इट इज नीचे से लेके ऊपर करना है। कहा जाता है पेट और पीठ, इससे ही पूरे बॉडी के डिसीज
जो है उत्पन्न होते हैं। इसलिए बेबी का स्टेमिना बढ़ाने के लिए इस तरह से आप स्पाइन जो है बेबी का ऊपर से लेके नीचे तक तेल लगाइए। तेल लगाने के बाद ये दोनों जो हाथ होते हैं इनको भी इस तरह से आप तेल लगा सकते। हमने आगे से तो तेल लगा लिया था, अब हम पीछे के साइड से भी तेल लगा देंगे। हाथ और पैर दोनों को भी हम थोड़ा थोड़ा तेल लगा लेंगे। तो इस तरह से ये हो गया है हाथ का। अभी हम देखेंगे पैर को। सेम एज इट इज पैर को भी ऐसे ही करना है, 3 से 5 बार या फिर 5 से 10 बार, जैसे भी आप कन्वीनियंट है या फिर बच्चा सह सक रहा है उस हिसाब से आप बच्चों को तेल लगाइए। यह हमारा बैग भी बेबी का हो गया है। उसके साथ ही आप ध्यान रखिए बेबी का डायपर एरिया है वहाँ पे भी आपको तेल लगाना है और वहाँ पे भी बेबी को मसाज करनी है। ये बेबी का बैग भी हो गया है। इस तरह से बेबी के डायपर एरिया को भी आपको तेल लगा के मालिश करना है। बेबी का बैग भी हो गया, फ्रंट हो गया। अभी देखेंगे बेबी का हम एक्सरसाइज कैसे करते हैं। मसाज होने के बाद एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चों को रिलैक्स फील हो, उनकी इम्यूनिटी बढ़े और वो एक्टिव रहे, और जो भी वो दूध वगैरह पीते हैं वो डाइजेस्ट होने के लिए एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। इस तरह से दोनों हाथ लीजिए, इस तरह से उसे साइड से आप बेबी को एक्सरसाइज करवा सकते हैं। इससे बच्चे को एंजॉयमेंट मिलना चाहिए, यही एक मेन उद्देश्य होता है। जिस तरह से मैं आपको एक्सरसाइज दिखा रही हूँ इस तरह से आप उसको एक्सरसाइज करा सकते हैं। एक हाथ पकड़िए, एक पैर पकड़िए और दोनों को इस तरह से जोड़िए 5 से 7 बार, इस तरह से करिए। उसके बाद पैर उठाइए, पैर को सिर को लगाइए। इससे कॉलिक की अगर प्रॉब्लम है, गैसेस को अगर कुछ बेबी को प्रॉब्लम है तो वो निकल जाएंगी। मसाज का मतलब ये नहीं है कि बेबी रोए। बच्चों की जो मालिश है वो बच्चों ने एंजॉय करना चाहिए। मालिश होने के बाद फिर उसे गुनगुने पानी से आप नहलाइए और अच्छे से उसके बॉडी पर जो तेल लगाया हुआ है वो पूरी तरह से निकाल दीजिए। तो आज मैंने आपको मसाज कैसे करते हैं इसके बारे में जानकारी दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, उपयुक्त लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सलाह और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।